आप सभी का स्वागत है ई गैस पुस्केशन में। अभ्योदय योजना 2022 और 23 के लिए जो आवेदन है वो शुरू कर दिया गया है। लास्ट डेट क्या है, कब से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेंट इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, किसी जो टैबलेट का लाभ है वो मिलता है, तो इन सभी को लेकर सारी बातें करेंगे। और आप लोग को पता है कि ये जो योजना है जो कि गवर्नमेंट की ओर से चलाई जाती है, जहाँ पर जितने भी छात्र जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो भी आप लोग के शहर के या फिर दूसरे शहर के आप लोग के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, कोचिंग सेंटर होते हैं, वहाँ पे जाके अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग अपने मोबाइल से आपके जो भी डिवीज़न होते हैं वहाँ पे, जो भी ऑफलाइन अभ्योदय जो कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं वहाँ से जाके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें आप लोग को बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग को फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है और यहीं से आके आप लोग को जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है, इसका जो लिंक होगा वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद से किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि आप लोग किस फील्ड में यानी कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे कई सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग UPSC जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे चाहे आपका प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, NDA हो, CDS हो, JEE नीट, इसके साथ ही अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके UPSC SSSC के थ्रू हो, चाहे TET हो, PU का हो, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम करवाए जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम की बात हो, स्टेट के एग्ज़ाम हो, जो भी हो आप लोग यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सारी ऑप्शंस है वो देखने को मिल रहा है किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप लोग किस फील्ड में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी कि कौन से कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये जो लिंक है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर रजिस्टर फॉर ऑनलाइन क्लासेस का जो लिंक है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए हमको UPSC मेंस का या फिर इंटरव्यू का करना है तो यहाँ पे हम इंटरव्यू पे क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको इनरोल करना हो, यानी कि जो भी आपसे एक बेसिक डिटेल है वो मांगी जाती है, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर नेम, आपके जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन नंबर, आप किस डिवीज़न से आते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साथ ही यहाँ पे आपकी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स है, यानी कि जिस आधार पे आप जो यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाती हैं, जिस बेसिस पे आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं उसी बेसिस पे आपसे जो डिटेल्स हैं वो मांगी जाएंगी। अगर यहाँ पे हम आपको NDA के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो NDA के जो बेसिक डिटेल आपसे मांगी जाएंगे, जैसे कि आपका हाई स्कूल, इंटर, तो जिस बेसिक लेवल पे आप लोग होते हैं उसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आप लोगों से मांगे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को सभी जो बेसिक डिटेल है वो आप लोग को फिल कर देनी होती है। उसके बाद से आप लोग का एक पासवर्ड जो होता है वो जनरेट हो जाएगा और इसके थ्रू फिर आपको लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा कि सिलेक्ट सेशन पे आपको क्लिक करना है, इंटर यू ईमेल पे आपको क्लिक करना है, इंटर पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद से आपका जो लॉगिन है वो प्रोसेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि आप लोग के मंडल में, आपको पता है कि हर जगह पे आपको अभ्योदय जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो भी चलाए जाते हैं। तो किस तरीके से ऑफलाइन माध्यम में छात्रों का चयन किया जाता है, इसके लिए ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाता है, और किस डेट पर आप लोग के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, इसको लेकर भी बातें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर ऊपरी देखने को मिल जाएगा सत्र 2022-23 की साक्षात कक्षाओं के आवेदन के लिए आवश्यक सूचना। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपके जिला समाज कल्याण अधिकारियों की जो सूचना है, जो मोबाइल नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप इन सभी को सेट कीजिए और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप लोग ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 मई यहाँ पे दी गई है। तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आपके जो पेपर होते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से करवाए जाते हैं, जो लिंक है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगा, जो एक्टिवेट है वो कर दिया जाता है। और यहाँ पर आपके JEE के जो पेपर हैं वो 18 मई को करवाया जाएगा 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इसके साथ ही नीट के जो पेपर हैं वो 19 मई को होंगे। NDA और CDS के जो पेपर हैं वो 20 मई को करवाया जाएगा, और UPSC और UPPCS के जो एग्ज़ाम हैं उसे 21 मई को करवाया जाएगा, और पूरी जो रिजल्ट होगी वो आप लोग को 25 मई को जारी कर दिया जाएगा, और कोचिंग चलाने की जो संभावित तिथि है वो 10 जून से स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक पूरी जो शेड्यूल है आप लोग के फ्री कोचिंग चलाने को, तो यहाँ पे ये जो सारी बातें हैं वो आप लोग को बताई गई हैं। काफ़ी कम टाइम आप लोग के पास बचा हुआ है, तो जल्द से जल्द आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कि बाद में थोड़ा डेट आगे जाए, लेकिन वो बात की बात है, आप लोग अभी अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी और जो जानकारी आएगी वो आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, इसलिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, और कोई भी सवाल रह जाए तो अपने सवाल को भी कमेंट करें।